नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। हमारे देश की वाहवाही पूरी दुनिया कर रही है, इस बात पर कोई शक नहीं है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दुनिया के टॉप के देश जो महाशक्ति की श्रेणी में आते हैं, वो भारत के दौरे पर आते हैं या फिर भारत आने की इच्छा जाहिर करते हैं। और अब इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 2 दिन पहले ही 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट 4 दिन के लिए भारत आएगा। आपको बता दें कि G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होगा। बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा है और खास बात यह है कि बाइडेन इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत दौरे को ज्यादा तवज्जो दी है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार देर रात बताया कि आसियान में बाइडेन की जगह वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस शिरकत करेंगी। G20 की वजह से दिल्ली सरकार ने 8 से 10 सितंबर को पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया है। सभी प्राइवेट ऑफिस, मॉल्स और मार्केट बंद रहेंगे। सभी स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने G20 समिट को लेकर सरकार से पब्लिक हॉलीडे घोषित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं और इस दौरान मेट्रो सर्विस जारी रहेगी। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस जैसे कुछ मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जा सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन G20 समिट शुरू होने से 2 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे और ये दौरा मोटे तौर पर 4 दिन का होने वाला है। इस दौरान बाइडेन और प्रधानमंत्री 2 बार बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार इस दौरे को काफ़ी अहमियत दे रही है और इस दौरान ट्रेड और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। 2026 में G20 समिट अमेरिका में होगी और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट बाइडेन को इसकी अध्यक्षता सौंपेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुविलन ने बताया कि बाइडेन के इस दौरे के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, क्लाइमेट चेंज और गरीबी से निपटने के लिए विश्व बैंक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा होगी। G20 समिट के दौरान भारत अमेरिका के बीच बिजनेस और डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 का निर्माण करते हैं। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषय यानी आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरी दुनिया में जितना भी आर्थिक उत्पादन होता है, उसमें 80% योगदान इन्हीं G20 देशों का होता है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को 3 दिन के राजकीय दौरे पर अमेरिका गए थे। उनका ये दौरा कई मायने पर अहम रहा। जेट इंजन, ड्रोन खरीद, स्पेस मिशन और भारत में चिप बनाने से जुड़े कई समझौते दोनों देशों के बीच हुए थे। अब इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका की संसद को संबोधित किया था और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर उन्होंने बोलते हुए कहा था कि AI का मतलब है अमेरिका और इंडिया। 5 साल बाद एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिणी अफ्रीका के दौरे पर जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना नहीं, बल्कि अफ्रीका में भारत की पकड़ को मजबूत करना भी है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका 5वां ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। बाइडेन के भारत दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।